नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। अगर आप एक ही तरीके से कटहल बनाकर बोर हो गए हैं तो आप एक बार हमारे इस नए तरीके से कटहल आलू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया था कटहल, मैंने 1 किलो के करीब कटहल लिया था। मैंने छोटे वाला कटहल लिया है, इसके जो मोटा मोटा छिलका है ना, उसको मैंने हटा दिया है हाथों पे सरसों का तेल लगाकर, क्योंकि अब ये ग्राम के हिसाब से हमारे पास 800 ग्राम के करीब कटहल है। इसके साथ ही मैंने ले लिया आलू, मैंने मीडियम साइज़ के 4 कच्चे आलू लिए थे, उनको छील लिया था, इनको 2 भागों में इस ढंग से काट लिया है। अगर ग्राम से देखें तो ये 200 ग्राम के करीब है। अब मैंने एक कढ़ाई में ना सरसों का तेल डाला है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसको सबसे पहले तो हमने गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाएगा हम गैस को मीडियम कर देंगे। हमारे पास जो कटहल है थोड़ा ज़्यादा है, जितना आराम से एक बारी में कढ़ाई में आ जाएगा मैं उतना कटहल इसमें डाल दूंगी। अलटते पलटते हुए मीडियम गैस पर इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छा सा कलर आने तक। ये देखिए, हमने सारे कटहल को फ्राई कर तैयार कर लिया है। हमने छोटे वाला कटहल लिया था ना, जो इसका जो बीज होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। देखिए ये गल चुका है। इसके साथ ही जो आलू लिए थे उनको भी हमने फ्राई कर तैयार कर लिया है। मैंने कुकर में ना उसी कढ़ाई में से थोड़ा सा सरसों का तेल ही डाला है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, आप उस खड़े मसालों का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास घर में है। मैंने डाला 1 तेजपात, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 1 चक्री फूल, थोड़ा सा जावित्री, 2 लौंग, 1 टीस्पून जीरा। पहले इसे थोड़ा सा चला देंगे। मैंने ली थी 10 से 12 छोटी छोटी लहसुन की कलियां, उनको छील लिया था, वो डाल रही हूँ। अभी से भी हमने थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी प्याज को डाल सकते हैं। मैं नमक अभी से डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार डालें, और प्याज को अच्छे से भून लें सुनहरा होने तक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट का अलग टेस्ट आएगा, जो हमने साबुत लहसुन डाला है ना उसका अलग टेस्ट आएगा। 2 डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सा चला देंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और जले भी ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने लिए तो 2 टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने टमाटर को पहले थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको भी थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। अब इसमें हमने क्या करना है, पानी डालना है। पहले मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। 1/2 कप के करीब पानी मैं और डाल रही हूँ, तेज गैस पर 1 उबाल आने देंगे पहले तो पानी में। जैसे ही उबाल आ जाएगा इसमें आलू डाल देंगे, कटहल भी डाल देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, मीडियम गैस पर 2 विसल लगाएंगे, कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलेंगे। देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको चेक कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है और दोनों चीजें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे सिंपल परांठों के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी लच्छे परांठे के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगेगा, चावलों के साथ भी अच्छा लगेगा। आप एक बार इस तरीके से कटहल आलू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।